गाइस यार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा भाई, आज के दिन हम लोग छुपन छुपाई खेलने वाले हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि ग्रैनी अपने आप में ज्यादा बनती है, तो आज भाई ग्रैनी डाइन देगी। आज टाइम दूंगी, फिर तुम लोगों को बताऊंगी मैं। क्या मतलब है तेरा? नहीं नहीं कुछ मतलब नहीं है, बाद में बताऊंगी आज मैं क्या करने वाली हूँ। क्या करने वाली है बता? अरे नहीं कुछ भी नहीं करने वाली। तो गाइस आज भाई ग्रैनी टाइम देगी। और भाई आज यार बहुत ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, तीन तो अपने ये हिमावरी सिंचन पिंचन, यहाँ भीम आ चुका है, यहाँ पर रेड खड़ा हुआ है, ये डोरीमोन, नोबिता, बैन, 3 4 5 6 7 8 लोग तो बच्चे हो गए भाई, 8 8। और भाई ये अंकल है यहाँ पर 9, और भाई यहाँ पर ओके 10, 9 10 ये ग्रैनी को मिला के, और मुझे मिला के 11 हो चुके टोटल। तो भाई ढूंढ लेगी ना सबको। सबका ढूंढ लूंगी, चिंता मत कर। अरे मैं किस बात की चिंता करूंगा भाई? अरे चिंता तो तुझे बाद में करनी पड़ेगी। अबे क्या मतलब है तेरा? कुछ भी नहीं, तू जा छुप जा जाके। ठीक है तू काउंट कर जाके, हम लोग छुप जाएंगे। ठीक है जा रही हूँ छुपने के लिए। बच्चों आज देखो मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं शिनचैन को किडनैप कर लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये लोग बहुत ज्यादा फालतू बोलते हैं मुझसे, और खबरदार अगर तुम लोगों ने फ्रैंकलिन को कुछ बताया तो, वरना तुम लोगों को भी खा जाऊंगी। नीचे की तरफ जा रही हूँ फ्रैंकलिन टाइम देने के लिए। आ जा, और क्या बड़बड़ कर रही है तब से? मैं तुझे नहीं बताऊंगी, हिम्मत है तो अपने ऑडियंस से पूछ ले। हाँ ठीक है पूछ लूंगा। और खबरदार बच्चों अगर बता दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मैं डाइन देती हूँ, उसके बाद शिनचैन को किडनैप करके ले जाऊंगी। गाइज ये क्या कह रही थी, आप लोगों से बात कर रही थी क्या? अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई, मैं जा रहा हूँ छुपने के लिए। हाँ यार भाई ये जाओ यार छुप के जाओ, मतलब छुपने के लिए चले जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ गाइज, मैं एक काम करता हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, क्यों ना मैं आसपास ही छुप जाऊँ, जिससे मैं ग्रैनी को देखता रहूँ आसपास, वो मुझे सबसे पहले आउट कर देगी ना, तो गाइज मैं उसका पीछा कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, उसके आसपास ही चल लेता हूँ, घर के पास ही जाकर छुप जाता हूँ, जिससे मुझे सबसे पहले आउट कर दे। एक काम करता हूँ यहीं पर खड़ा हो जाता हूँ, सामने से मुझे देख ही लेगी। चलो मैं जा रहा हूँ छुपने के लिए। हाँ यार भीम यार जल्दी से जाइए, और जल्दी से चल निकल कर आ जाइयो। अरे तो चिंता मत कर, मैं जल्दी से जा रहा हूँ छुपने के लिए। चलो चलो आगे की तरफ छुपता हूँ जाकर मैं। एक काम करता हूँ इस पेड़ के पास जाकर छुप जाता हूँ, जहाँ पर एक ग्रैनी की बच्ची मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, इसकी तो बैंड बजा दूंगा, बस मेरे पास लड्डू आ जाए खाने को, यहाँ पर छुप जाता हूँ मैं। अयो मैं चले जाता हूँ। अरे तुम्हारी ऐसे की तैसे तुम लोग ही जाते रहोगे, मैं जाऊँगा छुपने के लिए, मेरे को ग्रैनी से बहुत ज्यादा डर लगता है, जल्दी से जाता हूँ मैं। ये ग्रैनी की बच्ची बहुत गंदी है, बहुत जल्दी आउट कर देती है, और डराती भी, उसका शक्ल देखिए कितनी गंदी सी है। चलो चलो आगे की तरफ निकलता रहता हूँ मैं, और सही सी जगह पर जाकर छुप जाता हूँ। सामने की तरफ चलता, एक काम करता हूँ यहाँ से मैं राइट ले लेता हूँ, और इस डस्टबिन के पीछे छुप जाऊँ। नहीं डस्टबिन के पीछे नहीं छुपना, यहाँ पर जाता हूँ, एक काम करता हूँ इस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। अरे चल जाता हूँ। अरे नहीं 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 बाहर नहीं जाना मुझे। अरे यार मैं बाहर क्यों चले गया, यहाँ पर एकदम सही जगह है। अरे यार मैं भी जा रहा हूँ छुपने के लिए। हाँ यार भैया जल्दी से जाओ बहन भैया, कोई सही सी जगह पर छुपना। अरे बिल्कुल चिंता मत कर, बढ़िया सी जगह पर जाकर छुपूंगा जहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चलो चलो आगे की तरफ चलता, एक काम करता हूँ सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उधर जाकर बालकनी में छुप जाता हूँ। यहाँ मैंने पिछली बार जगह देखी थी, एक बार हिमावरी भी छुपी थी, लेकिन कोई बात नहीं आज तो मैं छुपूंगा यहाँ पर। यार चढ़ गया मैं, और यहाँ से भी ऊपर चढ़ गया। चलो ठीक है आराम से जाता हूँ, और यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ, आराम से उतरना मुझे, और यहाँ से देखता हूँ बालकनी में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। और बाप रे बच गया। काम करता हूँ यहाँ से आराम से यहाँ पर पहुँच गया। चलो बढ़िया तरीके से पहुँच गया मैं। चले जाओ क्या सिंचन भैया? अरे हाँ यार रेड भाई तू चले जाकर, मैंने बताया तो था, तू पूछा मत कर। ठीक है सिंचन भैया मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ छुप जाऊंगा जाके। हाँ यार जल्दी से जा यार भाई, आराम से छुप जाओ, मेरी हेल्प चाहिए तो बता दियो। ठीक है सिंचन भैया चलो गाइस आगे की तरफ चलते, मैं सोच रहा मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, मैं छोटू सा हूँ ना तो मुझे यहाँ पर कोई देख नहीं पाएगा। अरे पर मैं यहाँ पर चल भी नहीं पाला, एक काम करता हूँ यहाँ से जाता हूँ, और यहाँ से गोल गोल घूम के यहाँ पर रुक जाता हूँ, एकदम सही जगह रहेगी। अरे मान मैं जा रहा हूँ छुपने के लिए। अरे यार आप रो क्यों रहे, नोबिता भैया को गिरा दिया गाड़ी वाले ने। अरे गाड़ी वाले तेरा मुंह तोड़ दूंगा तेरी ऐसी की तैसी, रुक जाए एक मिनट, तेरी गाड़ी में बैठूंगा गाड़ी वाले, एक सेकंड ये तो चले गया। डोरेमोन अब मुझे कोई मारेगा तो नहीं ना? नोबिता तुम चले जाओ आराम से। हाँ डोरेमोन मैं जा रहा हूँ अच्छी सी जगह पे, छुप जाऊंगा मैं। चलो गाइस ऊपर की तरफ चलता
रहता हूँ, आगे कहाँ पर जाऊँ समझ नहीं आ रहा है, आराम आराम से चलता रहता हूँ। अरे यार जल्दी से जाओ यार, जल्दी जाकर छुपो नोबिता भैया, वरना शिजुका दीदी को बुला दूंगा। शिजुका 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 मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। अरे यार ये तो देवदास बन जाते हैं। अरे मैं कहाँ पर जाऊँ, यहाँ से नीचे चले जाता हूँ और यहीं पर जाकर छुप जाता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अरे यार मैं जा रही हूँ नोबिता भैया। अरे यार नोबिता नहीं शिंचन भैया। अरे हाँ एक ही बात है। अरे एक बात नहीं है, वो एक नंबर का पागल भोंदू है और मैं भोंदू थोड़ी हूँ। हाँ ठीक है चलो गज, मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हूँ, आराम से जंप मारती हूँ और यहाँ से मैं अंदर की तरफ चली जाती हूँ, एकदम सही जगह रहेगी मेरे लिए। अरे यार शिंचन भैया मैं भी जा रहा हूँ। हाँ यार पिंचन भाई जा यार, अब तो कोई जगह भी नहीं बची छुपने की। अरे यार कहीं ना कहीं तो छुपना ही पड़ेगा ना यार शिंचन भैया यार। हाँ यार सही बात है यार, एकदम सही बात है यार, सही कह रहा है यार, एकदम आगे की तरफ चले जा पिंचन भाई। हाँ यार जा रहा हूँ यार, आपकी आवाज़ को एकदम से क्या हो जाता है शिंचन भैया। अरे यार पता नहीं भाई मेरा गला खराब हो रहा है ना, इसलिए कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ यार सही बात है, मेरा भी आजकल गला खराब हो रहा है। अरे यार तू बात कम कर यार पिंचन भाई, जाकर छुप जा। अरे यार मैं तो एक तो आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आप ऐसे बात कर रहे हैं यार भैया, ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा सॉरी यार पिंचन भाई सॉरी। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो गैस मैं इनके घर में आ चुका हूँ, यहाँ पर एक दीदी खड़ी हुई है, मेरे को कुछ बोले ना बस ये, चलो गैस मैं यहीं पर छुप जाता हूँ। चलो मैं भी जा रहा हूँ। अरे हाँ यार डोरेमोन भैया चले जाओ, आप भी चले जाओ। ठीक है शिंचन भाई मैं जा रहा हूँ, चलो गाइस मैं कहाँ पर जाकर छुपूँ, आगे आगे चलते रहता हूँ, नहीं यहाँ से जंप मारता हूँ, नहीं नहीं यहाँ से जंप नहीं मारना मुझे, आगे की तरफ चलता हूँ। अरे बाप रे ये चढ़ गया मैं, चलो चलो अब ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ से कहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर छुप जाऊँ क्या? हाँ ये एकदम सही जगह रहेगी, इस साइड छुप जाता हूँ मैं। मैंने काउंट कर लिया है, मैं आ रही हूँ। अरे बाप रे यार मैं तो छुपाई नहीं, जल्दी से जाता हूँ गाइस, मैं कहीं ना कहीं छुप जाता हूँ आसपास। अरे हट जाओ सबके सब हट जाओ यार, यहाँ पर मैं जाकर छुप रहा हूँ यार, ये मैं यहाँ पर छुप चुका हूँ, एक सेकंड अब गिर गया मैं तो। गाइस मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ, ये एकदम सही जगह रहेगी। हेलो गाइस यार ग्रैनी ने काउंट कर लिया, यानी कि ग्रैनी आगे की तरफ से आ रही है। हम लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान रखना है ग्रैनी कुछ गलत ना करे। वैसे अगर ग्रैनी मतलब यार गलत काम करने जाती है ना, तो गाइस यहाँ पर बारिश और मौसम खराब हो जाता है, और मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कुछ भी मौसम खराब हो रहा है। तो गाइस हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर ग्रैनी के आने का। एक सेकंड गाइस, अबे भाई साहब मैंने अभी मौसम की आप लोगों को बताई थी ना, और गाइस देख सकते हो मौसम खराब हो चुका है, यानी ग्रैनी के मन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है भाई हम लोगों को लेके। हो सकता है कहीं वो वापस से खराब तो नहीं हो गई, क्योंकि गाइस उसने हमें बताया था कि नहीं वो एकदम सुधर चुकी है, लेकिन गाइस हो सकता है ग्रैनी वापस से खराब हो चुकी हो, मतलब उसके अंदर फिर से कुछ किडनैप करने का प्लान आ चुका हो। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ग्रैनी के दिमाग में क्या चल रहा है, फटाफट से कमेंट करो, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, जल्दी से कमेंट करो। और सामने की तरफ शिंचन छुपा भी है, मुझे यहाँ से दिख भी नहीं रहा यार शिंचन। एक काम करता हूँ क्यों ना मैं थोड़ा ऊपर जाकर छुप जाऊँ गाइस। नहीं 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 यहाँ से सामने की तरफ आएगी तो मुझे पता तो चलेगा ना। हाँ गाइस मुझे शिंचन दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से। नहीं रुको रुको मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूँ, वो देखो लाल लाल दिख रहा है ना, तो यहाँ से मैं शिंचन को आसानी से देख सकता हूँ। अगर नहीं दिखाना तो गाइस मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इधर जाऊँ नहीं जा पाया गाइस, मैं वापस से मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। एक सेकंड गाइस मैं आराम से, डोरेमोन यहीं पर छुपे रहना। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया मौसम कैसे खराब हो गया, पता नहीं यार भाई कैसे खराब हो गया गाइस, मुझे पता है लेकिन यार ये ग्रैनी की हरकतों की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि ग्रैनी के मन में वापस से खोट आ चुका है गाइस। मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा जिससे मैं शिंचन को आसानी से देख पाऊँ, और आप लोग भी मेरे साथ शिंचन को देख पाओगे आसानी से। इसलिए गाइस हम लोगों ने एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते, यहाँ से हम लोग को शिंचन आसानी से दिखता तो रहेगा ना। थोड़ा इस साइड चलता हूँ मैं आसानी से। ओके गाइस यहाँ से मुझे शिंचन आसानी से दिख रहा है, आप लोग को भी नज़र आ रहा है ना। अगर आप लोग को शिंचन यहाँ पर दिख रहा है तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करो, और अगर ग्रैनी के दिमाग में कुछ खराब चल रहा है ना तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने देख लिया कि ग्रैनी के दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। मैं आ रही हूँ पकड़ने के लिए, सबको पकड़ लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी आज, और शिंचन को तो बिल्कुल भी नहीं, शिंचन को तो आज पकड़ के मैं यहाँ से हटा दूंगी और किडनैप कर लूंगी। बहुत फालतू बोलता है, और ये बहुत दिन हो चुके हैं मेरे को खेलते खेलते। एक सेकेंड, ये फ्रैंकलिन मुझे ऊपर की तरफ से देख रहा है क्या? मैं यहाँ से देखती हूँ, ओहो फ्रैंकलिन यहाँ से मुझे देख रहा है, और शिंचन यहाँ पर छुपा पड़ा है, लगता है यहीं पर दिखाता भी मुझे। एक काम करती हूँ पीछे की तरफ से घूम कर आती हूँ और शिंचन को किडनैप करके चले जाती हूँ। लेकिन ये मैं कैसे लूं शिंचन को, ये ऊपर से देख रहा है फ्रैंकलिन मुझे। एक काम करती हूँ आगे की तरफ से जाती हूँ, जिससे किसी का पता भी नहीं चलेगा।
यहाँ से नीचे जाती हूँ और उसे लगेगा फ्रैंकलिन को कि मैं उसे पकड़ने नहीं आ रही हूँ। एक काम करती हूँ, पहले मुझे अपनी जादुई शक्ति से पता चल चुका है यहाँ पर कोई तो छुप रखा है, तो चलो पहले उसे आउट कर देती हूँ जिससे फ्रैंकलिन को शक ना हो कि हाँ मैं किसी को उठाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर मौसम को भी अभी बिगड़ना था, फ्रैंकलिन समझ गया होगा कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। यहाँ पर उतर जाती हूँ। अरे बहन के बच्चे ले आउट हो गए तू, मुझे आउट कैसे कर जाए तुमने इतनी जल्दी? अरे चलना काम कर अपना, मैं सबको पकड़ लूंगी। फ्रैंकलिन को भी एक काम करती हूँ, आउट कर देती हूँ, पर अगर मैंने उसे आउट कर दिया ना तो वो मेरा पीछा करेगा, मुझे पता है, इसलिए मुझे फ्रैंकलिन को आउट करना ही नहीं है। चलो आगे की तरफ जाती हूँ, मैंने एक को तो आउट कर ही दिया है, दूसरे को भी आउट करना है। चलो आगे की तरफ जाती हूँ और मैं ऐसे जानबूझ के बोल रही हूँ जिससे फ्रैंकलिन को शक ना हो मेरे पे कि मैं शिनचैन को किडनैप करने आई हूँ। किसे आउट करूँ? एक काम करती हूँ, आगे की तरफ जाती हूँ और उसे आउट कर देती है जो भी लड़की है यहाँ पे। गाइस इसने तो शायद बैन को आउट कर दिया, यानी कि यार ये एकदम सही है, अभी तक ग्रैनी ऐसा कुछ नहीं करने वाली, वो तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना गेम खेल रही है। यार मैं भी सोचने लग गया था, मौसम मुझे लगता है नॉर्मली खराब हुआ है गाइस, ऐसी कोई गलत बात है नहीं। और आप लोगों ने भी कमेंट नहीं किया और ना आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते तो मुझे पता चल जाता। खैर कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर वो अच्छे से कर रही है तो ठीक है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैं भी अपना ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर छुप जाता हूँ आराम से। फ्रैंकलिन को चकमा दूंगी मैं जिससे उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ए हिमावारी की बच्ची चल आउट हो गई तू, अरे मुझे कैसे ढूंढ लिया पागल भूतनी गंगी। मैं सबको ढूंढ लेती हूँ, देखती हूँ फ्रैंकलिन यहाँ से गया या नहीं गया, यहाँ से देखती हूँ मैं। एक काम करती हूँ, एक दो लोगों को और आउट कर देती हूँ, फिर मैं चले जाऊंगी फ्रैंकलिन को आउट करने, मतलब यार शिनचैन को आउट करने। यहाँ से अंदर की तरफ जाती हूँ और देखती हूँ कौन कहाँ पर छुपा है, क्योंकि ऐसे तो मुझे कोई भी नजर नहीं आएगा। चलो यहाँ से ऊपर चढ़ जाती हूँ। अरे मैं तो नीचे गिर गई, मेरा मुंह तोड़ दिया, एक भूतनी का मुंह तोड़ते शर्म नहीं आती। चलो एक काम करती हूँ, मेरी जादुई शक्ति से पता चला है यहाँ पर वो नेबर अंकल है तो उसे भी आउट कर देती हूँ। अरे चलो यहाँ से, और यहाँ पर गई वो, देखो वो खड़ा है। अबे चल चिलकूजे, अरे मुझे भी आउट कर दिया फ्रैंकलिन, ये भूतनी आ गई यहाँ पे। अरे तो मैं क्या करूँ, कोई भी आया हो। मैं तो खेल रही हूँ फ्रैंकलिन आराम से। हाँ तुम खेलो आराम से खेलो, मुझे सिर्फ और सिर्फ शिनचैन को किडनैप करना है, तो चलो अब टाइम आ चुका है किडनैप करने का, मैंने फ्रैंकलिन का दिल जीत लिया है। चलो फटाफट से जाती हूँ और यहाँ पर शिनचैन को किडनैप कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, शिनचैन को अभी किडनैप करूँ या फिर ना करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है किसे किडनैप करूँ मैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, क्यों ना शिनचैन को कर ही लेती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा, उसे किडनैप कर लूँगी और यहाँ से दूर ले जाऊंगी और फिर उसे मार दूंगी और फ्रैंकलिन का नशा ढीला हो जाएगा। चलो फ्रैंकलिन के पास, मेरा मतलब है शिनचैन के पास, जल्दी से चलती हूँ मैं। मैंने क्या सुना, यहाँ पर ये शिनचैन भैया को किडनैप करने जा ली है, मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के पास जाना होगा। फ्रैंकलिन भैया, ओ फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो आप? अरे क्या हो गया रेड? फ्रैंकलिन भैया मेरे पास आओ जल्दी से। अरे क्या हो गया? अरे जल्दी से आओ भैया, मैं यहाँ पर हूँ। अरे आजा यहीं पर हूँ मैं, ऊपर आजा। अरे भैया मेरी हाइट नहीं पहुँच रही, मैं कैसे आ जाऊँ? अरे आ जाना ऊपर की तरफ आ जा। अरे एक सेकंड आ जाऊँ यहाँ, कैसे जाऊँ? कहीं मैं इसके ऊपर चल जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे चढ़ जाता हूँ और फ्रैंकलिन मेरे पास पहुँच गया। फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया। हाँ बोल क्या हो गया रेड? अरे भैया मैंने अभी अभी ग्रैनी को सुना, वो शिनचैन भैया को किडनैप करने जा रही है आपका ध्यान भटकाने के लिए, उसने पहले सबको आउट किया। क्या बात कर रहा है? सही बात कर लो, ऑडियंस ने आपको कमेंट करके बताया होगा। एक सेकंड रुक जा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। गाइस ये सच बोल रहा है क्या रेड? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। गाइस जल्दी से बताओ, मैं झूठ नहीं बोला, सच बोलो, जल्दी बताओ। गाइस जल्दी से बताओ यार। शिनचैन, अरे यार तू मुझे आउट करने आ गई, चल कर ले यार, तू भी क्या याद रखेगी? अरे बेटा सिर्फ आउट करने नहीं आई हूँ। अरे तो क्या यार, मेरे को चॉको चिप्स खिलाने आई है? तेरा मुंह तोड़ दूंगा, भूतनी की चॉको चिप्स नहीं खाता मैं। लेकिन भूतनी तो तुझे खाएगी ना। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि मैं तुझे किडनैप करने आई हूँ। मजाक कर रही है, बहुत अच्छा मजाक कर लेती है। तू जा रही है यहाँ से या फिर मैं किसी और को बुलाऊँ? बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब मत कर। दिमाग तो मेरा खराब कर दिया है तुम लोगों ने। मैंने तो कभी नहीं किया तेरे दिमाग खराब, फालतू बकवास मत कर मुझसे। बकवास तो तू कर रहा है। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, डरा मत मुझे बिना मतलब के। चाप से चल मेरे साथ। फ्रैंकलिन भैया, ओ फ्रैंकलिन भैया मुझे बचा लो यार। कोई नहीं बचाएगा, चल मेरे साथ, तुझे उड़ने का टाइम आ चुका है। अरे यार तू पागल हो चुकी है, कहाँ है ये, तुमने सच मुड़ा दिया। गाइस यार ये मुझे कहाँ लेकर जा रही है, पागल हो गई क्या ग्रैनी की बच्ची?
अब आया ना मजा, अब बोल तेरे को डर लगता है नहीं लगता? अरे बाप रे मुझे डर लगता है यार, प्लीज मुझे छोड़ दे ग्रैनी यार, प्लीज छोड़ दे, मेरे साथ ऐसा मत कर यार बिल्कुल भी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बहुत दिन से मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अरे यार गाइस यार प्लीज यार मुझे नीचे उतार, नीचे उतार। अच्छा तुझे नीचे उतरना है तो चल नीचे। नहीं 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 गिर जाऊंगा मैं, ऊपर ले चल, ऊपर ले चल, ले फिर ऊपर चल मेरे साथ। अरे यार गाइस ये क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये तो मेरा ऐसी तैसी कर रही है। अरे यार गाइस प्लीज फ्रैंकलिन बे को बताओ, ये मेरे साथ खेल रही है बिना मतलब के, मुझे हवा में उछाल रही है। फ्रैंकलिन बे को पता चला ना तेरी खालू देर देंगे बच्चा रहा हूँ मैं। अभी तूने मेरी शक्तियाँ देखी कहाँ है चिलकू से, तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बहुत बकवास करता है मेरे से। अरे यार गाइस यार इसे समझाओ ना यार, पता नहीं क्या कर रही है। ये देख हेलीकॉप्टर से भी ऊपर उड़ के दिखाऊंगी। अरे यार ये कहाँ ले जा रही है गाइस, देखो प्लेन से भी ऊपर ले गई मुझे। अरे बाप रे यार ये क्या करने जा रही है, तुझे तो मैं आसमान से गिरा दूंगी। गाइस देखो यार ये कितने ज्यादा ऊपर ले आई मुझे यार, ये तो मेरे को छोड़ देगी। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो यार, जल्दी से प्रैंकटन बैग को बताओ कि ये मुझे ऊपर तक लेकर आ चुकी है, वो भी आसमान तक, और यहाँ पर तो बिजली कड़क रही है। प्लीज छोड़ दे यार ग्रैनी, मुझे माफ कर दे। माफी तो मैं कभी किसी को नहीं देती। अरे बाप रे यार गाइस अब क्या करें, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। प्लीज यार गाइस मेरी हेल्प करो, जल्दी से प्रैंकटन बैग को बताओ कि शिनचैन को उसने किडनैप कर लिया है ग्रैनी की बच्ची ने। अभी देख मैं तुझे कैसे नीचे ले जाती हूँ। अरे नहीं यार मुझे नीचे नहीं जाना। अरे तू चलेगा नीचे, अभी तो तू मेरे साथ चल रहा है, बाद में तुझे ऊपर से गिरा दूंगी मैं। अरे यार गाइस यार यहाँ से कैसे जाऊंगा मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो यार जल्दी से यार, प्लीज प्रैंकटन बैग को बताओ जल्दी से कि ग्रैनी पागल हो चुकी है, मुझे नीचे गिरा रही है। अरे यार गाइस यार प्लीज यार आप बता रहे हो या फिर नहीं बता रहे यार, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। गाइस जल्दी से बताओ यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हो यार, मुझे लगता नहीं आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लगता है मेरा मरना तय हो चुका है। कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, ये ले नीचे ले जाती हूँ। नहीं 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 यार बिल्कुल मत ले जाओ नीचे, मुझे डर लगता है। ये ले और गिराऊंगी तुझे नीचे। अरे बाप रे यार गाइस ये क्या करना चाह रही है, मैं समझ ही नहीं आ रहा। गाइस देखो नीचे गिरा रही है बार बार, अरे बाप रे यार ये बार बार नीचे गिरा रही है मुझे, और ये वापस से ऊपर ले जा रही है। गाइस मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो यार बिल्कुल भी डर लग रहा है। गाइस अब ये क्या करने जा रही है। अब तो चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ मैं कितने खतरनाक हूँ। अरे यार मैं समझ गया, प्लीज मुझे जाने दे यार, ग्रैनी की बच्ची दिमाग खराब मत कर। तो फिर फालतू बोला ना, अभी देख तुझे कैसे करती हूँ, ये ले तुझे ऊपर लेकर जाऊंगी। अरे यार प्लीज यार मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये देख जादू कर रही हूँ अब मैं तेरे ऊपर, अब तुझे अपने साथ में अपने घर ले जाऊंगी। अरे नहीं यार मुझे आपके घर नहीं जाना, प्लीज मुझे माफ कर दो। गाइस यार प्लीज बताओ यार फ्रैंकलिन बे को ये जादू कर रही है मेरे ऊपर। यार गाइस आप लोगों ने कमेंट करे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। रेड जल्दी से आ जा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? शिनचैन यहाँ पर, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। ठीक है भैया। अरे बाप रे एक सेकंड गाइस, यहाँ पर तो शिनचैन है ही नहीं। अबे शिनचैन, ओ शिनचैन कहाँ चले गया भाई, ये शिनचैन कहाँ गया? रेड तुझे दिखा के शिनचैन? नहीं भैया मुझे कहीं नहीं दिखा शिनचैन भैया। अबे चौप शिनचैन को देखा क्या? अबे नहीं भाई वो तो अभी यहीं पर छुपा था ना, यहाँ छुपा हुआ देखा था मैंने उसे बस। एक सेकंड, ग्रैनी ने आउट किया था क्या? हाँ वो आई तो थी ग्रैनी आउट कर, उसके बाद से वो पता नहीं कहाँ लेकर गई उसे। एक सेकंड कहाँ लेकर गई मतलब? हाँ मतलब ऐसे बोल के गई थी मैं घूमने जा रही हूँ। अबे क्या बात कर रहा भाई साहब, शिनचैन को किडनैप कर गई वो। अबे क्या बात कर रहा, भूत किडनैप कर गया शिनचैन भाई को। हाँ भाई हाँ जल्दी से आजा भाई। रेड तुझे मिली क्या? नहीं भैया बाहर नहीं है कोई भी। एक सेकंड गाइस, मैं शिनचैन को ढूंढना पड़ेगा। शिनचैन, ओ शिनचैन भाई कहां पर है? गाइस एक सेकंड आप लोगों को तो पता होगा ना शिनचैन कहां पर है, मतलब ग्रैनी उसे कहां लेकर गई, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। हां गाइस जल्दी से बताओ। एक सेकंड यार, हो सकता है पिनचैन और हिमावारी को भी उसने आउट किया होगा। मुझे पता है हिमावारी तो यहां पर छुपी है, जल्दी से हिमावारी के पास जाता हूं। हिमावारी हिमावारी कहां पर है तू? हां भैया क्या हो गया? अबे यार शिनचैन को ग्रैनी के किडनैप करके ले गई, तुझे पता है क्या? नहीं नहीं भैया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ग्रैनी जैसी औरत अभी ऊपर उड़ती दिखी थी। क्या बात करी, हवा में उड़ती दिखी थी? हाँ भैया हवा में उड़ती दिखी थी। गाइस ये क्या बोल रही है, ऐसा हुआ था क्या? मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ यार जल्दी से। पिनचैन और पिनचैन सब लोग यहाँ पर आ जाओ, घर के अंदर आओ जल्दी से। गाइज ये तो कंफर्म हो चुका है, ग्रैनी ने शिनचैन को किडनैप कर चुका है। अरे यार मेरे भाई को किडनैप कर दिया, मैं इस ग्रैनी की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। अरे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ यार फ्रैंकलिन भैया मैं भी नहीं छोड़ूंगा। डोरेमोन एकदम सही बात कर रहे हो यार, तुम लोग हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे इसकी इतनी हिम्मत हुई, बच्चों को कैसे इसने किडनैप कर लिया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं ग्रैनी की बच्ची को। गाइज देख रहे हो भाई, आज तो नेवर अंकल भी हमारे साथ है। अरे बेशक मैं बच्चों को मना करता हूँ खेलने को, लेकिन मैं उनसे प्यार तो करता हूँ ना, ये ग्रैनी की बच्ची को तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गाइस बस आप लोग हमें कमेंट करके बताओ वो उसे कहां लेकर जा रही है, हवा में ले जा रही है या फिर वो नहीं ले जा रही हवा में, बस हमें इतना बता दो, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करें भाई शिनचैन को वापस लाने की। भाई वो शिनचैन के साथ कुछ भी गलत कर सकती है, आप लोग प्लीज हमारी हेल्प करो। हां यार गाइस प्लीज हेल्प करो यार जल्दी से।
कमेंट करो, हमें बताओ, हमारी हेल्प करो। हाँ गाइस यार बताओ, शिनचैन को किडनैप करके ले गई है या फिर नहीं लेकर गई है, जल्दी से बताओ। हाँ गाइस यार प्लीज कमेंट करो यार, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। गाइस जल्दी से कमेंट करो, तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यार शिनचैन को जरूर बचाएंगे। हाँ गाइस अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखोगे तो जरूर बचाएंगे। हाँ गाइस जल्दी से पार्ट 2 लिखो। हाँ गाइस जल्दी से लिखो। तो गाइस मुझे पता आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे जब कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना यार। अगर जल्दी से लिखो तो गाइस हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, टाटा, टेक केयर।